नवादा के रजौली में अबरख खदान में चाल धंसने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। चाल में अभी भी चार मजदूर फंसे होने की खबर है। रजौली के भानेकाप अबरख खदान में यह बड़ा हादसा हुआ है। पटना सिटी के जगमाल बिगा राधाकृष्ण मंदिर में डिप्टी सीएम ताकेश्वर प्रसाद पहुंचे। मंदिर को देखकर भावी भोर हुए। डिप्टी सीएम ने कुछ देर तक मंदिर में बैठे और मंदिर में चले प्रवचन का आनंद उठाया। सारण के एमएससी सच्चिदानंद राय फुलवारी शरीफ के गुणपुरा पहुंचे, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर हमला बोला। कहा, नित्यानंद राय का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में भूमिहार यादव और मुस्लिम का समीकरण बन गया तो बिहार की कई ऐसे जिले जादों से पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। पटना में जनता दरबार खत्म हो जाने के बाद राजकीय अतिथिशाला के समीप एक महिला अचेत अवस्था में पुलिस को मिली। सूचना के बाद पुलिस ने उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर है और उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है, उसने जहर खाया। लड़की नौबतपुर की रहने वाली है। पटना सिटी में चोरों का आतंक जारी। मालसलामी थाना क्षेत्र के दीना आयरन के इलाके में चोरों ने ड्राई फ्रूट की गोदाम में लाखों की चोरी की। चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर 90 टीना काजू, बादाम, गिरी समेत 15 लाख रुपए का ड्राई फ्रूट और किराना व्यवसाय की चोरी कर ली। इसके साथ ही सीसीटीवी, डीवीआर, टीवी और हार्ड डिस्क भी उखाड़ कर लेते चले गए। बाढ़ में उमानाथ गंगा घाट पर स्नान के दौरान युवक दरोगा कुमार की गंगा में डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवक अपने परिजन के साथ उमानाथ गंगा घाट पर स्नान कर रहा था। इस दौरान पैर फिसल जाने के कारण गहरे पानी में चला गया और डूब गया। रोहतास के जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 23 अप्रैल को दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल फागू चौहान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगमन की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और एसपी आशीष त्रिभारती ने कॉलेज का निरीक्षण किया। सिवान में तिलक समारोह से लौट रहे दो बाइक पर सवार 6 लोग आपस में टकरा गए। दोनों बाइक की टक्कर उस समय हुई जब दीनदयालपुर के पास अपराधी ने दोनों बाइकों को छीनने के लिए रोका। दोनों बाइक सवार अपना संतुलन खो बैठे और दोनों आपस में टकरा गए। इस घटना में बाइक छीनने वाला अपराधी बाइक से कुचल गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इनके पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। कटिहार में एक सन की दामाद ने अपने ही ससुर और बड़े ससुर को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के डेहरिया लक्ष्मण टोला की है। इस घटना के बाद स्थानीय मोहल्लेवासियों ने सन के दामाद को पकड़कर उसे पेड़ से बांध दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पाकुड़ में 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। सीएचसी महेशपुर में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। सीएस डॉक्टर आर डी पासवान और बीडीओ महेशपुर उमेश मंडल ने संयुक्त रूप से मेले का निरीक्षण किया। झारखंड में कई केंद्रीय मंत्रियों का 19 जिलों में दौरा और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक तय की गई। इसको लेकर राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि अनुचित और राज्य में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ इससे पंचायत चुनाव प्रभावित होगा। कशिश न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि बीजेपी झारखंड में ही नहीं उड़ीसा में भी गांव-गांव में वोटर को अपनी ओर खींचने का काम करती है और इस तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। रोजेदारों को ईद का बेसब्री से इंतजार है। ईद को लेकर गिरिडीह में बाजारों में भी काफी रौनकें देखी जा रही है। लोग परिवार के साथ खरीदारी में जुटे हैं। कपड़े की दुकान, श्रृंगार स्टोर, जूता चप्पल की दुकान हो या शॉपिंग मॉल, खरीदारी के लिए ग्राहकों की काफी भीड़ देखी जा रही है। लोगों ने कहा कि 2 साल से त्योहार बिल्कुल फीका गुजरा, लेकिन लंबे समय के बाद त्योहार खुलकर मनाने का मौका मिला है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी NABL ने बिहार के 5 जिलों में संचालित जल जांच प्रयोगशाला को राष्ट्रीय मान्यता दे दी, जिससे अब जिले के लोगों को पानी जांच करवाने की जो सेवा है वो मुफ्त में मिलेगी। साथ ही यहाँ के जांच रिपोर्ट को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 44 अन्य देशों में भी मान्यता मिलेगी। मधुबनी में मुर्गी चोरी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुनमनी गांव के प्रयाग मुखिया के रूप में हुई है। यह घटना रहिका थाना क्षेत्र के सुनमनी गांव की है।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 26 एजेंडे पर मुहर लगी। सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य के अंदर 2 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का निर्णय लिया। इसके लिए सरकार की तरफ से 1200 करोड़ से ज्यादा की राशि की मंजूरी दी गई है। पटना में सोमवार को सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा, जिसमें मुख्यमंत्री ने पटना समेत अलग अलग जिलों से पहुंचे फरियादों की समस्याएं सुने। मौजूद अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश दिया। जनता दरबार के बाद मीडिया से रूबरू हुए वो चुनाव पर कहा कि जनता ही मालिक है। वहीं सीएम ने कहा कि प्रशांत किशोर के साथ मेरा दूसरा संबंध है। सिकटे विधायक विजय मंडल के पुत्र के शादी समारोह में अररिया पहुंचे डिप्टी सीएम साकेश्वर प्रसाद मीडिया के सवालों पर भड़क गए। दरअसल एक साल पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले के उद्घाटन समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम ने पर्यटन के रूप में सुंदरनाथ धाम को विद्यापति सर्किट से जोड़ने की घोषणा की थी। समय के साथ घोषणा पर काम नहीं हुआ, इसके पुराने वादों को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए। जमशेदपुर में नए सिटी एसपी ने कमान संभाली है। सिटी एसपी के कमान संभालते ही देर रात सिटी एसपी सड़क पर निकले, 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले उनसे पूछताछ में जुटी। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बुंडू में भी नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बुंडू प्रखंड के मुखिया वार्ड सदस्यों का नामांकन बुंडू प्रखंड कार्यालय में और बुंडू तमाल सोनातू राय प्रखंडों के लिए पंचायत समिति सदस्यों का नामांकन अनुमंडल कार्यालय में किया जा रहा है। काफी संख्या में पंचायत चुनाव के अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। पाकुड़ जिले के मैसूर में बैंक ऑफ इंडिया सोनार पाड़ा की स्थानीय शाखा में लिंक फेल होने से ग्राहकों को जमा निकासी के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। खाता धारकों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से लिंक नहीं रहने के लेन देन से का जो काम है पूरी तरह से ठप है और बैंक का लिंक फेल है, लेकिन बैंक के अधिकारी और कर्मी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पाकुड़ में उपायुक्त ने बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ बैठक की। इसके साथ ही उपायुक्त ने गोकुलपुर स्थित पावर ग्रिड का भी निरीक्षण किया। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भतीजे पर गंभीर आरोप लगाया। प्रेस वार्ता कर मंत्री ने कहा कि जब से चिराग पासवान अलग हुए हैं तब से वह हम पर लगातार हमला करवा रहे हैं। आज पुत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने बिहार सरकार से जांच कर कार्रवाई की मांग की। साथ ही पशुपति पारस ने कहा कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य है, धार्मिक स्थलों की श्रृंखला है, कला संस्कृति है, बस उन्हें प्रमोट करने की जरूरत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे पर अपना रोक साफ कर दिया है और मंत्रियों के राज्य के दौरे को लेकर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। राज्यपाल रमेश बैस ने गुमला के रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने पर बल दिया। निरसा में सीआईएसएफ ने बरमोरी ओसीपी के समीप अवैध कोलाधा 2 ट्रैक्टर को जब्त किया, मैथन पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ को सूचना मिली थी कि बरमोरी ओसीपी के समीप बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है। गुमला के डुमरा टीप में पत्नी के छोड़कर जाने से नाराज पति निर्मल मतो ने चाकू से नस काट कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। आनंद पाने में परिजन और आसपास के लोगों ने व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि व्यक्ति पिछले काफी समय से मानसिक तनाव से गुजर रहा है। गुमला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उपायुक्त सुशांत गौरव ने भरनो प्रखंड अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। व्यवस्था में कोई कमी हो तो वीडियो को सूचना देने का निर्देश भी दिया गया। समस्तीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान भारत ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का लगाया गया, जिसका उद्घाटन सांसद प्रिंस पासवान और विधायक अफसरुल इस्लाम शाही ने किया। इस मेले में लोगों की निःशुल्क जांच की गई। इस दौरान काफी संख्या आसपास के लोग मौजूद रहे। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्ण लाल गुर्जर डीवीसी मैथन के एक दिवसीय दौरे पर निरसा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में देश आज काफी आगे बढ़ रहा है। देश में बिजली की कोई कमी नहीं है और प्रधानमंत्री ने साल 2030 तक 500 गीगावाट और साल 2070 तक SO2 फ्री एनर्जी देने का संकल्प लिया है।
देवघर सर्किट हाउस में झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि देवघर में पानी की समस्या चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पुनासी डैम से बहुत जल्द देवघर में पीने के पानी की सप्लाई होगी।